दोस्तों, भारत में नेशनल हाईवे का नेटवर्क ये काफ़ी तेज़ी से बनाया जा रहा है। वही अब भारत के हाईवे को और अच्छा और टिकाऊ बनाने के लिए रोड्स में प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जा रहा है और काफ़ी भारी मात्रा में किया जा रहा है। ये कॉन्सेप्ट राजगोपालन वासुदेवन इन्होंने लाया था। वही इनको प्लास्टिक मैन भी कहा जाता है दोस्तों। दरअसल हाल ही में नितिन गडकरी जी ने राज्यसभा में रिटर्न गाइडलाइन प्रस्तावित की। उसमें लगभग 700 किलोमीटर के नेशनल हाईवे को वेस्टेड प्लास्टिक के यूज़ से बनाया गया है। वही पहले लगभग 1 लाख किलोमीटर के हाईवे को प्लास्टिक यूज़ करके बनाया गया था। इंडियन रोड कांग्रेस जो प्लास्टिक रोड के लिए कुछ गाइडलाइन जारी करती है, अभी उन्होंने गाइडलाइन जारी की है जो कि 5 लाख पॉपुलेशन वाले सिटीज़ को 50 किलोमीटर्स के पेरी फेरी अर्बन एरियाज़ में प्लास्टिक यूज़ रोड मेकिंग के लिए इसेंशियल कर दिया गया है। अभी 7 एक्सप्रेसवे जिनकी टोटल लेंथ ये 2,507 किलोमीटर है, उनमें से 440 किलोमीटर कंप्लीट हो चुके हैं। वही ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर के अंतर्गत 781 किलोमीटर लेंथ के वेरियस हाईवेज जो यूपी, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान से पास होते हैं, उनको अपग्रेड कर दिया गया है। वही वासुदेवन जी जिनका काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, वो कहते हैं कि 1 किलोमीटर रोड के लिए लगभग 1 टन का प्लास्टिक यूज़ किया जाता है, मतलब लगभग 10 लाख प्लास्टिक बैग्स। वही प्लास्टिक रोड ये काफ़ी टिकाऊ होते हैं और इनमें होल्स भी नहीं होते हैं। इनकी लाइफ लगभग 10 ईयर्स की होती है और ये खुद वासुदेवन जी ने कहा है। ये रोड मेकिंग में फाइनेंशियल मतलब कॉस्ट भी काफ़ी रिड्यूस कर देते हैं। भारत के कई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने वेस्ट प्लास्टिक का यूज़ करके रोड कंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट कर दिया है। वही महाराष्ट्र में तो कई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को रोड मेकिंग के लिए प्लास्टिक का यूज़ करना कंपलसरी कर दिया है। वही पुणे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने कई सारे रोड्स ये वेस्टेड प्लास्टिक यूज़ करके अपग्रेड किए हैं। वही इंदौर, सूरत, नोएडा, गुरुग्राम ऐसे कई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन अभी रोड में प्लास्टिक यूज़ करना स्टार्ट कर दिए है और ये काफ़ी अच्छी बात है। वही फ्यूचर में ये यूज़ और बढ़ेगा और प्लास्टिक ऐसे खुले में ना जाकर उसका यूज़ किया जाएगा, ऐसे उम्मीद करते हैं। और ऐसे ही वेस्ट प्लास्टिक से रोड बनते हैं ये भी उम्मीद करते हैं। तो दोस्तों, ये एक काफ़ी अच्छा गुड स्टेप इंडियन गवर्नमेंट से लिया गया है। तो आपको ये स्टेप कैसा लगा? और ऐसे ही अगर इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड वीडियोज़ अगर पसंद आते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।